महिला बाल विकास एकीकृत विकास ग्रामीण द्वारा आंगनवाड़ी क्रमांक 142 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की फर्जी नियुक्ति के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि पडारिया पंचायत में फर्जी दस्तावेज द्वारा की गई थी। बता दें कि निफ्टी में कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसको लेकर दलित और आदिवासी महिलाएँ छात्राएँ भर्ती की तैयारी करती हैं और इस प्रकार महिला बाल विकास द्वारा क्रमांक 1 के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फर्जी नियुक्ति की गई है। इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है और विरोध प्रदर्शन किया है। वार्ड क्रमांक 18 से ना तो हम लोगों को इस नियुक्ति के बारे में कुछ जानकारी मिली और ना हम लोगों को कुछ योजना निकलती तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। बस वहाँ तो पैसा दिए जाते हैं और हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता की नियुक्ति निकली है आंगनवाड़ी की केंद्र क्रमांक 142। हम लोग काफ़ी दिनों से इन लोगों से बात हो रही है, ग्राम पंचायत पड़रिया में हम लोगों ने बैठक की ग्राम समुदाय के साथ में, तो हमारे लिए इसमें जानकारी मिली मोला आदिवासी और शिला आदिवासी समस्त जो पड़रिया की महिलाएं हैं इन्होंने बताया कि हमारी पंचायत में आंगनवाड़ी की नियुक्ति हो चुकी है और इसका कोई विज्ञापन नहीं निकला है। तो हम लोग इस नियुक्ति से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि मेरिट सूची बनाई जाए और उसके द्वारा उसका चयन किया जाए ताकि हम हमारी समस्त ग्राम की दलित आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको भी मौका मिले कि हमें भी इस नियुक्ति का पता चले कि कब हो गई किस तरीके से हुई है, तो वो भी चाहती कि हम भी इस विज्ञापन में भाग ले पाएं। तो में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।